फ्रेंड्स, योर ओन चैनल इकोनॉमिक्स इजी। आज अपन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डिटेल्स में जाएंगे, उसके न्यूमेरिकल देखेंगे कितनी तरह की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है और कौन से फैक्टर्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। राइट, डिस्क्रिप्शन में आपको माइक्रो स्ट्रेट्स के लिंक मिल जाएंगे जहाँ आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करती थी फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच जो आप वीडियोज कितना लाइक कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट और, उनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रीजन क्या है सब्सक्राइब करने के? जब आप कोई वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो उस बंदे के, उस चैनल के आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाते हैं। राइट, और दूसरी बात, जैसे ही वो कोई नया वीडियो अपलोड करता है तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है। फाइन, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स, इस वीडियो के कंप्लीट होते ही अपन का जो माइक्रो अपनी 40 मार्क्स आएगी उसमें से 30 मार्क्स का कोर्स अपन कर चुके हैं 1920 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और बीच बीच में जैसे आप वीडियो देखते हैं आपको पता है, मैं ये भी बताती रहती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आने की पॉसिबिलिटी हाई होती है। राइट, अब देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अपन ने इससे पहले वीडियो में इसका थोड़ा सा फॉर्मूला देखा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ने देखा था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये था। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। चेंज इन क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटी में चेंज है, चेंज इन पी मतलब पी में जो डिफरेंस आया, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी। राइट, अब इसका न्यूमेरिकल कैसे आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा मतलब हल्का सा डिफिकल्ट लिया मैंने उसको, देखेगा। फर्म रिवेन्यू दे रखी है 50 रुपीज, मार्केट प्राइस जब 10 रुपए थी तब फर्म की रिवेन्यू थी 50 रुपए। रिवेन्यू वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था उसका फॉर्मूला, उसी के बेस पे चलेगा ये। अब फर्म की रिवेन्यू इंक्रीज होके हुई है 150 रुपए, ठीक है। नाउ मार्केट प्राइस इज 15 रुपीज, ये ध्यान रखना है, मार्केट प्राइस इंक्रीज टू 15 रुपीज है। इंक्रीज टू 15 रुपीज मतलब 10 रुपए थी अब 15 रुपए हो गई है। ये नहीं बोला है कि मार्केट प्राइस इंक्रीज बाय 15 रुपीज, ठीक है। इंक्रीज बाय 15 रुपीज होती तो अपन की 25 होती, पर इसने बोला इंक्रीज 2 रुपीज 15, मतलब 15 रुपए हो चुकी है मार्केट प्राइस। अब अपन को पूछा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, या कहिए गए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है। देखिए, रिवेन्यू का फॉर्मूला अपन ने सीखा था प्राइस इंटू क्वांटिटी, पहले के वीडियोस देखे तो बहुत इजीली करते जाएंगे अपन। देखिए, रिवेन्यू अपने पास कितना दे रखा है, 50, ओरिजिनल वाला ले रखा है अपन, अभी 50 रिवेन्यू दे रखी है, ठीक है। अब आ जाती है प्राइस, प्राइस कितनी है अपने पास, 10, ओरिजिनल वाली 10 इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी अपने पास है नहीं, इससे क्वांटिटी निकाल सकते हैं अपन आराम से, सिंपल मैक्स जो करते हैं अपन वो। देखिए क्यू निकालना है मुझे, तो 50/10 करूंगी मैं, ये 50/10 किया, कितना आया 5, ये जो 5 है ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी आ गई। इसी तरीके से मेरे पास दूसरी फॉर्म की रिवेन्यू रखी है 150 रुपये, मार्केट प्राइस है 15 रुपये, मैंने इसी तरीके से सेम निकाला है ओरिजिनल के बाद। अब न्यू वाली रिवेन्यू 150 है, ओरिजिनल न्यू प्राइस थी 15, क्वांटिटी न्यू निकालनी है 150/15, सिंपल सा मल्टीप्लाई जो सिंपल मैक्स करते हैं वो। अब देखिए, सिंपल जो मेरे पास ओरिजिनल क्वांटिटी आ गई, न्यू क्वांटिटी आ गई, ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस मेरे पास है, तो सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। देखिए यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है, चेंज इन क्यू कितना है, चेंज निकालने के लिए माइनस करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो 10-5 कितना आया 5, चेंज इन पी 15 थी नई प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 10, 15-10 5 इंटू, अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ये पढ़ा है तो आपको याद आ गया होगा, ओरिजिनल प्राइस कितनी है 10, ओरिजिनल क्वांटिटी ये 5, अपना सिंपल सॉल्व करेंगे अपनी इलास्टिसिटी आ जाएगी, ये से कैंसिल हो गया 5 5 2 0, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी 2 और यही अपना आंसर है। फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं शेप क्या होगी सप्लाई कर्व की और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। एक बात ध्यान रखना, जो शेप होती है सप्लाई कर्व की वो इंडिकेट करती है कि क्या डिग्री है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। राइट, इसमें बेसिकली तीन चीजें होगी, तीन इलास्टिसिटी होगी पर और दो एक्सट्रीम होगी। देखिए फर्स्ट वाली क्या है, एक बात और अपन इसमें अज्यूम करके चलते हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो एक तो स्ट्रेट लाइन है, मतलब सीधा जा रहा है, और पॉजिटिव फ्लो है, पॉजिटिव फ्लो मतलब कि ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। राइट, अब देखिए फर्स्ट स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव फ्लो सप्लाई कर्व, ठीक है। प्राइस मैंने ले रखी है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ले रखी है क्वांटिटी। सप्लाई कर्व जब भी ओरिजिन से जाएगा, मतलब जीरो से, ओ से जाएगा सप्लाई का ऊपर की तरफ, तो अपन उसे कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक, या फिर ये कहें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, 1 के इक्वल होगी, 1 मार्क में आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप सप्लाई कर्व। इसमें क्या होता है, जब भी सप्लाई का वाई एक्सिस से ओरिजिन होगा, अभी देखिए पहले ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था सप्लाई का, वाई एक्सिस से जब भी सप्लाई का स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ जाएगा तो अपन क्या उसे कहेंगे, इलास्टिक सप्लाई। राइट, और जब इलास्टिसिटी कितनी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। थर्ड देखिए, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप सप्लाई का, थर्ड सिचुएशन में क्या होगा, अब सप्लाई का स्टार्ट हो रहा है एक्स एक्सिस से, ये देखिएगा, जब भी सप्लाई का एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा तब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 होगी, 1 से कम होगी, और अपन उसे कहेंगे इनइलास्टिक सप्लाई कर्व, ठीक है। दो एक्सट्रीम केसेस हैं, जैसे अपन ने पहले बात करी थी, एक सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन देखिएगा, प्राइस चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, दोनों सिचुएशन आएगी,
पर सप्लाई कर्व कांस्टेंट रहने वाला है, ये देखिए सप्लाई कर्व पूरा कांस्टेंट है। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो सप्लाई कर्व क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक, या ये कहें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो होगी। जब भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो होगी मतलब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, ये भी एक्सट्रीम सिचुएशन है। जब अब नई सिचुएशन क्या है, प्राइस कॉन्स्टेंट है, सप्लाई चेंज होती रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, सप्लाई फ्लक्चुएट कर रही है, तब क्या होगा, सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व होगा और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी इन्फिनिटी। फ्रेंड्स देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आ जाते हैं नेचर ऑफ इनपुट यूज। अगर कोई गुड कॉमनली अवेलेबल है तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, इलास्टिक होगा। ठीक है, और वो कॉमनली अवेलेबल नहीं है तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, इनइलास्टिक होगा। ठीक है, अभी इलास्टिक और इनइलास्टिक अपन ने सब सीखा है। सेकेंड आ जाता है नेचुरल कंस्ट्रेंट। इसमें देखिए, अगर कोई प्रोड्यूसर टेक वुड ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पहले प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। प्लांट्स लगाएंगे फिर कई सालों बाद प्लांट्स ग्रो करेंगे तभी वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब इसकी इलास्टिसिटी कितनी हुई, लेस इलास्टिक। थर्ड आ जाता है रिस्क टेकिंग। अगर कोई प्रोड्यूसर रिस्क ऑन हायर आउटपुट, ज़्यादा आउटपुट पर रिस्क लेना चाहता है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़्यादा इलास्टिक होगी, मोर इलास्टिक होगी, और कम आउटपुट पर रिस्क लेना चाहता है तो लेस इलास्टिक होगी। फोर्थ आ जाता है नेचर ऑफ कमोडिटी। पेरिशेबल गुड्स जो दो तीन दिन बाद खराब जाते हैं, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वो क्या होता है, कम इलास्टिक होता है, और जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं पेरिशेबल गुड्स के कंपेरिजन में। फिफ्थ आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्शन की कॉस्ट तो कैसी इलास्टिसिटी होती है उसकी, लेस इलास्टिक होता है, कम इलास्टिक होता है। टाइम फैक्टर, अगर प्रोड्यूसर को ज़्यादा टाइम मिल जाता है कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। एंड द लास्ट इज प्रोडक्शन टेक्निक। एक्सपेंसिव और जो कॉम्प्लेक्स टेक्निक होती है उसकी इलास्टिसिटी कम होती है, लेस इलास्टिक होता है।